हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही हाँ अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज होने वाला टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आप अपने कामों को बहुत ही आसान तरीक़ों से कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठंडक में शुरू हो जाती है हमारे घर पर ढेर सारे मटर की रेसिपी, और मटर बहुत ज़्यादा आता है और उसकी हम तरह तरह की रेसिपी बनाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मटर बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो दाना होता है बहुत मोटा होने लगता है और ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिससे कोई कुछ भी चीज़ बनाओ तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फ्रेंड, उसके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आप इसको बहुत ही सॉफ्ट कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। बहुत ही अच्छा ट्रिक है फ्रेंड कि आप इसको सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं जो ये अच्छे से गल जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको आलू बॉईल करते हैं, जैसे आप आलू बॉईल करते हैं, बस उसी में ये डाल दीजिए। लेकिन आप आलू पहले धुल लीजिए, उसके बाद में छील लीजिए, उसके बाद में रखिए, तब इसको रखिए, वरना इसमें वो लग जाएगा। क्या होता है उसका, जो आलू में मिट्टी लगी होती है वही लग जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको पहले से अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद में ही इसको उसमें डालना है। नहीं तो आप इसको अकेले ही इसको बॉईल कर सकती हैं, गर्म पानी में डाल दिए और देखिए कि आपको 5 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से करना चाहिए। अगर आप चाहे तो आलू में इस तरह से डाल दीजिए अच्छे से धुलने के बाद, या आप खाली पानी लेकर इस तरह से थोड़ा सा पानी ले लेना है कुकर में लीजिएगा, और जल्दी से ये हो जाएगा, वरना कटोरी में लेंगी तो थोड़ा सा लेट लगेगा। अगर आप इसको कुकर में बॉईल करेंगी तो ये जल्दी से बॉईल हो जाएगा। तो इस तरह से करना है और आपको इस तरह से इसमें डाल देना है जितना भी आपने मटर छील के रखे हो। आप इसको स्टोर भी कर दीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मतलब 1-2 दिन के लिए आप इसको बॉईल करके रख भी सकते हैं। इस तरह से करने के बाद में इसमें एक सीटी आ जाए, बस आपको बंद कर देना, आप देखेंगे ये बिल्कुल ही गल गया है। ये देखिए फिर इस तरह से करना है, और इसका ढक्कन लगाकर हम इसको गैस पर या इंडक्शन पर रख देंगे, जल्दी से हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है सब्ज़ी बनाने में। और फ्रेंड, आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगी तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। क्या होता है फ्रेंड, जब भी हम प्याज का यूज करते हैं तो कभी कभी होता है कि मतलब सुबह हो गया, शाम हो गया, आधा प्याज या थोड़ा प्याज तो बच ही जाता है, जिसको हम कहते हैं कि यूज कर लेंगे शाम को या सुबह को, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते तो उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। इसका बहुत ही अच्छा टिप्स लेके आए हैं, जिससे आप अपने थोड़ा सा भी बचा हुआ प्याज का बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज कर सकती हैं। इस तरह से आप आधा प्याज ले लीजिए, लेने के बाद में इसको बारीक बारीक इस तरह से कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल आपको वैसी तरह से कर लेना है। आपको इसको बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा सा नींबू हो या रस, नींबू का रस रखे हो या नींबू हो, इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा आपको, बस थोड़ा सा, 2 भी बूंद इसमें नींबू लगेगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। थोड़ा सा नींबू आपको इस तरह से इसमें डाल देना है। डालने के बाद में जब आप रात में सोने लगे तो क्या होता है, जब भी हम रात में सोते हैं तो जो हमारा सिंक होता है उसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड, इसमें नींबू भी पड़ा है, जिससे इसमें बिल्कुल भी, और जो प्याज की महक होती है उससे बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े इससे नहीं निकलेंगे, और आपका सिंक साफ का साफ ही रहेगा और आपका किचन भी अच्छा रहेगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड, इसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये ट्रिक आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। क्या होता है फ्रेंड, ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको कोई भी इस तरह से पुराना मोजा ले लेना है, चाहे बच्चों का होगा या किसी का भी हो गया, इस तरह से कोई भी मोजा ले लीजिए। लेने के बाद में आप क्या कीजिए, इसमें कोई कंघी इस तरह से डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको करना है, एक कंघी लेनी है और एक मोजा लेना है। इस तरह से डालने के बाद में क्या कीजिए, इस पर थोड़ा सा पानी का यूज कीजिएगा, आप हल्का सा छींटा मार दीजिएगा। अब इसको यूज क्या करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी फ्रेंड हम फ्रिज का यूज करते हैं तो हम सब कुछ तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी रबड़ होती है और जो रबड़ में जगह होते हैं उसको हम जल्दी से साफ़ नहीं कर पाते हैं।
तो आप इसको ब्रश से साफ़ करेंगे तब भी ये साफ़ नहीं होगा, लेकिन आप इसको इस तरह से कंघी से साफ़ करेंगे तो मोजा भी है जिससे ऊनी टाइप का हो गया है और इसमें कंघी भी जो इसका दांत है वो अच्छे से इसको साफ़ कर देगा, बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। इसको आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रिज के रबड़ को साफ़ करने के लिए। इस तरह से आपको लेना है, हल्का सा पानी डाल देना है और इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर देना है। ये टिप्स आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड इस टिप्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको इसको यूज कहाँ करना है। तो फ्रेंड इसमें आपका कुछ नहीं लगना है, बस आपको एक आलू लेना है, इसका आधा ही भाग आपको लगने वाला है। इस तरह से आपको एक आलू लेना है और इसको आधे हिस्से से इस तरह से कट कर देना। कट करने के बाद में आपको क्या करना है, एक चक्कू लेना है, लेने के बाद में इस तरह से इसमें महीन महीन जो होता है ना इसमें छेद कर देना। ये देखिए फ्रेंड जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको उसी तरह से करना है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा छेद बना देना है और इसका जो पानी होता है जब तक वो ना निकले जब तक आपको इस तरह से इसमें छेद बनाते रहना है। बहुत ही अच्छा और यूजफुल ट्रिक आप सबके लिए होने वाला है। देखिए फ्रेंड इस तरह से आपको ले लेना है और इस तरह से कर लेना। करने के बाद में आप एक काम और कर दीजिएगा, आप इसमें हल्का सा आपको नींबू लेना है, छोटा ही नींबू जो आपके पास हो इस तरह से लेना है और इस तरह से आपको इस पर रब कर देना है। ये देखिए फ्रेंड जिस तरह से मैं करती हूँ बस आपको उसी तरह से कर लेना है। अब आप सोच रहे हो इसका यूज कहाँ करना है, मैं चलो आपको दिखाती हूँ कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। जब भी हमारे घर में इस तरह से सिलेंडर रखा रहता है तो एक भरा रहता है एक वैसे ही खाली रखा रहता है, तो क्या होता है फ्रेंड जहाँ भी इसको हम रखते हैं इसमें कुछ मूर्छा टाइप का लग जाता है जिससे वो जगह ही ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड इसमें नींबू लगा है और आलू भी है जिससे अगर आप इसके नीचे हिस्से में लगा देंगी तो ये जहाँ भी रखेंगे इसमें बिल्कुल भी आप मूर्छा मतलब जो इसमें लग जाता है जंग लग जाता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तरह से आपको घुमाते रहना है और इसको अच्छे से लगा देना है जिससे इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा यूजफुल ट्रिक फ्रेंड ये आप सबके लिए होगा। तो फ्रेंड ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर मैं फिर आपसे मिलने वाली हूँ, तब तक के लिए।